medio, sacrie, vivagan, vivagan, ka, ni, या फिर इसे कह सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पूछ सकता है क्या रेडियो सक्रिय विघटन का नियम क्या है, रदरफोर्ड सोनी का नियम क्या है, या फिर इसको ऐसे बोल सकता है वो रदरफोर्ड सोनी रिलेशन बताइए, रदरफोर्ड सोनी संबंध के बारे में, ऐसा संबंध की व्याख्या कीजिए, यहाँ से ये रदरफोर्ड सोनी संबंध की व्याख्या कीजिए। तीनों पूछे तो तीनों में आपको एक ही करना है, वो क्या है वो बताता हूँ। आप एक बार लिखिए ऊपर जो हेडिंग डाली बोला जी उसमें जो हेडिंग ये भी है और फिर भी आप याद रखिए ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आपको दिक्कत ना प्रॉब्लम ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाए। ठीक है तो मैं ये फिर डालता हूँ, आगे कर देते हैं क्या करते हैं। तो देखिए इधर लिखाएंगे बाद में, एक बार पहले देख लीजिए आप रदरफोर्ड ने क्या बताया, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है कौन से नाभिक जो ये रेडियो एक्टिव कण होते हैं उनमें जो विघटन की दर होती है, ये मान लो विघटन की दर ये एन है, इनमें क्या हो रहा है विघटन यानी कि कम हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में, सक्रिय परमाणुओं में विघटन की दर उससे उपस्थित परमाणु या सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो कितने होंगे उस वक्त एन, ये